नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिटायरमेंट के 5 महीने पहले ही वीआरएस ले लिया है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पांडे की वीआरएस की अर्जी राज्यपाल ने स्वीकार कर ली है। गुप्तेश्वर पांडे की जगह एसके सिंघल को डीजीपी का चार्ज दिया गया है। अचानक उनका वीआरएस लेना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। आईपीएस पांडे के राजनीति में जाने की अटकलें भी अब लगाई जा रही हैं। इसी बीच गुप्तेश्वर पांडे ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट कर कहा, 23 सितंबर को शाम 6 बजे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आऊंगा। मैसेज के ऊपर एक कैप्शन भी दिया है जिसमें लिखा है, मेरी कहानी मेरी जुबानी। ऐसा कहा जा रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें बक्सर सीट से टिकट भी मिल सकता है। पिछले दिनों उन्होंने बक्सर के जेडीयू जिलाध्यक्ष के साथ बंद कमरे में घंटों मुलाकात की थी। बता दें कि बिहार में अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है, खासकर सीटों पर दावेदारी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच एक कयास ये भी लगाया जा रहा था कि बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने बिहार पुलिस के मुखिया के वीआरएस पर तंज कसा है। रिया के वकील ने कहा है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की ओर से वीआरएस के लिए दायर अर्जी पर 24 घंटे से भी कम समय में फैसला ले लिया। ये ठीक वैसे ही है जैसे बिहार सरकार ने रिया के खिलाफ एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था और केंद्र ने इसे मंजूरी दे दी थी। रिया के वकील ने तंज कसते हुए कहा है कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत नहीं बल्कि जस्टिस फॉर गुप्तेश्वर पांडे है। गौरतलब है कि गुप्तेश्वर पांडे सुशांत केस में बिहार में दर्ज हुई एफआईआर और जांच के लिए पुलिस टीम के साथ मुंबई जाने के बाद चर्चा में आए थे। बता दें कि 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर गुप्तेश्वर पांडे को जनवरी 2019 में बिहार का डीजीपी बनाया गया। बतौर डीजीपी उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2021 तक था। हालांकि उन्होंने मंगलवार को कार्यकाल पूरा होने से पहले रिटायरमेंट का फैसला लिया। आईपीएस अधिकारी के तौर पर गुप्तेश्वर पांडे ने करीब 33 साल की सर्विस पूरी की है। इस दौरान उन्होंने बिहार के कई जिलों में एसपी के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली। डीआईजी, आईजी और एडीजी के पद पर रहते हुए उन्होंने अपराध पर लगाम लगाने को लेकर कई बड़े कदम उठाए हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।